हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुक विद सुधा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मूली और मिर्ची का बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा आचार, जिसे आप एक बार बनाइए और साल भर खाइए। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मीडियम मोटी वाली मिर्च ली है, ये जो है तीखी कम होती है। आप चाहें तो पतली वाली मिर्च भी ले सकते हैं। तो इसके डंठल मैंने निकाल दी है। अब इस प्रकार से हम इसे बीच से कट करेंगे। इसके बाद हम इसे लंबाई में कट कर लेंगे। अगर आपको छोटे पीस बनाने तो छोटे पीस भी बना सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने मिर्ची कट कर ली है और यहाँ मैंने बड़े साइज़ की दो मूली ली है। वेट में ये 450 ग्राम है। तो मूली को हम पहले छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मूली और मिर्च को धोकर पानी इसका अच्छे से सुखा लिया था। यानी आप साल भर के लिए अगर अचार को स्टोर करें तो पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए। छीलने के बाद मूली के हम इस प्रकार से पीस बना लेंगे। इसके बाद जो है हम मूली को इस प्रकार से लंबाई में कट कर लेंगे, क्योंकि मिर्च जो है हमने लंबाई में कट की है, इसलिए मूली को भी हम लंबाई में ही कट करेंगे। आप चाहें तो गोल काट सकते हैं अगर आपको गोल पसंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारी मूली कट कर ली। मूली को हम एक बाउल में डाल देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे, क्योंकि मूली में जो पानी है वो निकल जाएगा। तो इससे अचार क्या हमारा लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो मैं इसे रख देती हूँ 1.5 से 2 घंटे के लिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मूली को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। इसमें जो पानी निकला है उसे मैं पहले निकाल देती हूँ। इसके बाद मूली को हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए कॉटन के कपड़े पर फैला देंगे। इससे क्या होगा, इसका मॉइस्चर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और मिर्च को हम ऐसे ही रख देंगे। अगर धूप हल्की हो तो 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मूली का मॉइस्चर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। धूप जो है आज काफ़ी तेज थी, तो मैंने सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही रखा ये हमारी मिर्च। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। पैन को पहले हल्का सा गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ डालेंगे। इसके बाद 1 चम्मच जो है हम इसमें जीरा डालेंगे और 1/3 चम्मच हम इसमें मेथी दाना डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें कलौंजी, जिसे हम मगरैल भी कहते हैं, लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। तो फिर ये देखिए मसाले हमारे रोस्ट हो गए। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसी पैन में डालेंगे 1 चम्मच बनारसी राई। तो एकदम चम्मच को फुल करके लेना है। ये राई जो है एकदम बारीक होती है और ये अचार में ही डाली जाती है, क्योंकि ये जो है खाने में हल्की सी खट्टी होती है और इससे क्या है अचार का टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। अगर आप मोटी वाली राई डाल लें जो बड़े साइज़ की आती है, तो उससे पहले आप रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद उसे क्रश करके उसका छिलका है निकाल दीजिए, उसके बाद डालिएगा। पैन को मैंने फिर से रख दिया है। हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जो है हींग और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और साथ में ही हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इसे भी रोस्ट कर देंगे। फ्लेम को यहाँ मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि पैन जो है काफ़ी गर्म है। तो हल्का सा रोस्ट करेंगे, इससे क्या है इसका जो कच्चापन वो खत्म हो जाएगा। तो ये रोस्ट हो गई, तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इसी पैन में हम ऑयल को भी गर्म कर लेंगे। तो ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम है, यानी 100 ml लिया है। और इस कप में जो है 125 ml जो है ऑयल आता है। तो यहाँ पर मैंने जो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लिया है अचार के लिए। मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट होता है। तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो फिर ऑयल जो अच्छे से गर्म हो गया, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ये मसाले भी ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर थोड़ा सा हमें इसे मोटा पीसना है, यानी दरदरा पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। तो फिर ये देखिए मसाला हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा यानी मोटा पीसा है। चलिए अब हम अचार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल को मैंने फैन के नीचे रख दिया था, तो ऑयल जो है पूरी तरह से ठंडा हो गया। आप चाहें तो पहले ऑयल में ये मसाले मिर्च नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद जो है आप मूली मिर्च डालिए। लेकिन ये स्टेप जो है तब करते हैं जब ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जब अचार जो है हम कम ऑयल में बनाते हैं, तो पहले हम जो है मूली मिर्च या आप आंवले या गोभी किसी का भी अचार रख रहे हैं, तो पहले हम उसे ऑयल में जो है अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगी आपकी एक एक पीस जो है ऑयल से डूब जाएगी, इससे क्या है अचार कभी आपका ख़राब नहीं होगा। तो मैंने इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद जो है तैयार किया हुआ ये मसाला इस प्रकार से डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अचार का जो कलर है काफ़ी बढ़िया आता है। और 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि ये जो हरी मिर्च होती है ये कम तीखी होती है। इसके बाद 1 चम्मच फुल हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि अचार में नमक जो है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। तो फिर ये अचार खट्टा है तीखा है, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डालूँ 1/4 छोटा चम्मच चीनी, इससे अचार का टेस्ट बढ़िया आता है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अचार को खट्टा करने के लिए मैं इसमें डाली हूँ 4 चम्मच सिरका। ये घर का बना हुआ फ्रेंड्स देसी सिरका है, जिसे गन्ने के रस से बनाया जाता है, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। तो आप जो है यहाँ पर व्हाइट वाला या डार्क वाला विनेगर कोई भी ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप व्हाइट वाला विनेगर यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में डालिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। ये घर का देसी है, इसलिए मैंने 4 चम्मच डाल दिया है। तो मैंने फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम
कांच की बर्नी में भर देंगे। तो बर्नी को जो है आप अच्छे से साफ करके धूप में उसे पहले रख दीजिएगा, उसके बाद जो है आप उसे में अचार डालिएगा। तो फ्रेंड्स अचार को मैंने बर्नी में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स इस समय धूप बिल्कुल नहीं है क्योंकि शाम हो गई है, तो आप मॉर्निंग में जो है इसके ऊपर एक बारीक कपड़ा कोई बांध दीजिएगा, इसके बाद आप इसे धूप में रख दीजिएगा। अगर आप कपड़ा नहीं बांधे तो इस प्रकार से ये चाय वाली जो छन्नी होती है इसे इसके ऊपर इस प्रकार से रख दीजिएगा और 5 से 6 दिन जो है अचार को धूप दिखा दीजिएगा। इससे जो है अचार आपका साल भर बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। अभी तो मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये अचार बहुत ही टेस्टी बना, हमारे घर में सभी को बहुत ही पसंद आया। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी।